तो हम लोग दोस्त एप्लीकेशन और कॉलवेज रिएक्शन का नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त कन्वर्ट सैलिसाइलिक एसिड टू फिनाइल सैलिसाइलेट। तो फिनाइल सैलिसाइलेट का एक और नाम है जो नाम क्या हमारा सेलोर। क्या है ना सेलोर। अब देखो सबसे पहले हम लोग सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये होगी हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा फिनोल हो गया और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया सैलिसाइलिक एसिड। तो यहां पर लिख दिए सैलिसाइलिक एसिड। अगर मिथाइल सैलिसाइलेट था तो हम लोग मिथानोल लेते थे और अगर फिनाइल सैलिसाइलेट है तो आज हम लोग फिनोल लेंगे। क्या लेंगे फिनोल। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के रिंग से। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा फिनोल। तो यहां पर फिनोल लिख दिए। और जब हम सैलिसाइलिक एसिड से मिथाइल सैलिसाइलेट बनाते थे तो कैटलिस्ट क्या लेते थे कोका स्टोसोपो। क्या लेते थे कोका स्टोसोपो। तो यहां आज हम कैटलिस्ट के रूप में कोका एस्टोसोफोर लेंगे जिसको प्यार से बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है दूसरा हाथ में पानी है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड से एल्कोहल को हटाएंगे और फिनोल्स को हाइड्रोजन को हटाएंगे जहां पर OH हमारा क्या है बेस। OH हमारा क्या है बेस और H हमारा क्या है एसिड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या बन गया वाटर। यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दी। अब बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो यहां पर बेंजीन के रिंग पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। अब यहां पर देखिए कीटो ग्रुप है तो यहां पर लिख दिए कीटो ग्रुप और कीटो ग्रुप जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बेंजीन का रिंग। जब ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ जाता था तो क्या बोलते थे मिथॉक्सी ग्रुप। तो इसको बोलेंगे कि फिनोक्सी ग्रुप या फिनोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे फिनोक्सी ग्रुप या फिनोक्साइड आयन। तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ कौन सा रिंग है बेंजीन का रिंग। तो यहां पर बेंजीन का रिंग लिख दिए और बाय प्रोडक्ट में वाटर निकला था तो वाटर बना दिया। तो अब देखो यहां पर आर सी डबल बॉन्ड वो आर है मतलब ये क्या बन गया हमारा इस्टर। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप रहता था तो बोलते थे मिथाइल सैलिसाइलेट और फिनाइल है तो क्या बोलेंगे फिनाइल सैलिसाइलेट। इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल सैलिसाइलेट। तो बोलो जब सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन फिनोल के साथ करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल सैलिसाइलेट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। लैंग्वेज बोलो व्हेन सैलिसाइलिक एसिड इज रिएक्टेड विद फिनोल फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन फिनाइल सैलिसाइलेट इज फॉर्म्ड। तो फिनाइल सैलिसाइलेट का जो यूज है वो यूज हमारा यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। कहाँ यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में जहां पर एंटी का मतलब सेप्टिक सॉरी एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी का मतलब अगेंस्ट और सेप्टिक का मतलब होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। जैसे देखो माइक्रो का मतलब क्या बहुत छोटा तू जानता होगा कि 1 माइक्रोमीटर बराबर तो 10^6 मीटर वो तो उसको आंखों से हम देख भी नहीं सकते। वो हमारा क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
देखो क्या बोलता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता हो, मार देता हो, चाहे उसको रोक देता हो, वही हमारा एंटीसेप्टिक कहलाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग डिटोल यूज करते हैं, सेवलोन यूज करते हैं, और तुम्हारा बोरोलिन, बोरो प्लस, सब हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक। याद रखना बोरोलिन है ना, उसका नाम बोरोलिन इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें बोरिक एसिड मिला होता है, बोरोलिन में बोरिक एसिड मिला रहता है, इसलिए उसका नाम बोरोलिन पड़ा है। ठीक है, याद रखना जब कभी तुमको एंटीसेप्टिक दिखाई दे वहां पर क्या पाया जाता है, फिनाइल सैलिसाइलेट। देखो ना, इसीलिए बोल रहे ना कि एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग सेवलोन को लेते हैं, चाहे डिटोल को सेवलोन यूज करते हैं, जिसे फिनाइल सैलिसाइलेट को प्यार से सेलोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलोल। देखो ना, सैलिसाइलिक एसिड से सेल लिया और फिनोल से ओल लिया, शुरू का सेल और फिनोल का ओल बन के क्या, सेलोल। तो हाँ, सैलिसाइलिक एसिड से क्या बनाने जा रहे हैं, फिनाइल सैलिसाइलेट। तो सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, रिएजेंट के रूप में फिनोल, कैटलिस्ट के रूप में कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनाइल सैलिसाइलेट, जिसका अदर नेम क्या है, सेलोल। और फिनाइल सैलिसाइलेट का यूज कहाँ होता है, एंटीसेप्टिक रूप में, जहाँ एंटी का मतलब अगेंस्ट और सेप्टिक का मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हार्मफुल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज किया जाता हो, वही हमारा एंटीसेप्टिक कहलाता है। और एंटीसेप्टिक का एग्जांपल क्या हो गया, सेवलोन, डिटोल, बोरोलिन और बोरो प्लस। तीसरा होता है फुल एचडी में सैलिसाइलिक एसिड से फिनाइल सैलिसाइलेट बनाने का कन्वर्जन, फुल एचडी में खत्म।